मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें ग्वेंथ नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। ग्वेंथ अपने बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग से आ रही होती है, फिर वो कुछ काम का होल लेकर शिकागो चली जाती है। इसके बाद वो अपने घर चली आती है। इस दौरान वो अपने शौहर और अपने बच्चे से मिलती है और ये बच्चा उसका पहले पति का बच्चा है। एक दिन वो अचानक बीमार पड़ जाती है और उसे अगले दिन सीजर्स आने लगते। फिर मीच उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स को पता नहीं चलता कि इसका रीजन क्या है कि वो मर गई। मीच अपने घर आकर देखता है तो वो बच्चा भी अब मर चुका है। धीरे धीरे शहर के लगभग सारे लोग मरने लगते हैं। टीवी पर न्यूज आता है कि ये एक नया वायरस है। यूएस के CDC डिपार्टमेंट के डॉक्टर को इस बारे में बात करते हुए देखते हैं। डॉक्टर इरिन को शहर से बाहर जाना पड़ता है ताकि ये इस बीमारी का इलाज ढूंढ सके और कुछ घंटे के बाद वो शहर पहुंच जाती है और मीच से मिलती है और ग्वेंथ के बारे में पूछती है कि वो हांगकांग क्यों गई थी और मीच से पूछती है कि वो शिकागो में क्यों रुकी थी। और यहीं पता चलता है कि ग्वेंथ शिकागो अपने पुराने दोस्तों से मिलने गई थी। वो मीच को चीट कर रही। डॉक्टर मीच का ब्लड टेस्ट करते हैं पर मीच को कोई इन्फेक्शन नहीं होती क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। मीच को घर भेज दिया जाता है। मीच की दूसरी शादी बेथ से थी। मीच की पहली शादी से उसे एक 16 साल की लड़की हुई होती है जिसका नाम होता है ज्यूरी। वो अपने फादर से मिलने के लिए इसी हॉस्पिटल में आई हुई होती है। फिर मीच को इस बात की टेंशन होने लगती है कि ज्यूरी को भी कहीं इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए वो अपनी बेटी को लेकर अपने घर चला जाता है। अचानक ये वायरस US में आ गया। इसका खतरा को देखकर ये लोग डॉक्टर एलिस से मिलने आते हैं। उन्हें लगता है कि ये वायरस बायो वेपन है और इसे किसी ने जानबूझकर रिलीज किया है बड़े बड़े लोगों को टारगेट करने के लिए और कई बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है। दूसरी तरफ डॉक्टर आर्नेट हांगकांग ट्रैवल करती है ताकि वो जान सके कि ग्वेंथ कहाँ कहाँ गई थी और उसके जरिए ये वायरस कैसे आया। इसी दौरान उन्हें पता चलता है ये वायरस सुअर और चमगादड़ के जेनेटिक मटेरियल से बना है और लोग वायरस पर स्टडी कर रहे हैं ताकि इसका वैक्सीन तैयार कर सकें, पर अभी तक इस पर काम नहीं हो पा रहा क्योंकि जिसी के भी सेल में ये वायरस डाला जा रहा है वो तुरंत मर जाता है। अभी तक 8 मिलियन लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। हर 12 लोगों में से एक आदमी का इन्फेक्टेड होने का चांस ज़्यादा था। इनके बचने के चांसेस 25 से 30% ही होते हैं। यहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा था इसलिए गवर्नमेंट एक फैसला लेती है, जो भी इन्फेक्टेड सिटी है उन्हें पूरी तरह आइसोलेट कर देती है, यानी कि कोई भी इस शहर से बाहर नहीं जा सकता। 21वां दिन था और यहाँ डॉक्टर इरिन को एक ईमेल आता है कि यह वायरस अफ्रीका से आया है और यह वायरस HIV से भी ज़्यादा खतरनाक। इनकी रिसर्च चल रही थी, अलग अलग सेंटर में अलग अलग वैक्सीन बना रहे थे और बंदरों पर टेस्ट कर रहे थे। यहाँ इनको कामयाबी नहीं मिल पाती। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट सब खाली थे। यहाँ एक भी इंसान नहीं थे। सब लोग डर कर मारे घर पर छुपे हुए थे। फाइनली 29वां दिन आता है जहाँ पर CGC लैब के डॉक्टर्स थे। इन्हें एक कामयाबी मिल जाती है लेकिन अभी भी इंसानों के ऊपर टेस्ट करना बाकी था। यही प्रोसेस काफ़ी लंबा था। ये प्रोसेस काफ़ी लंबी थी। जो भी पेशेंट पहले उनकी परमिशन लेनी होगी, फिर पेपर साइन करने होंगे। इसीलिए डॉक्टर एलिस एक खतरनाक तरीका सोचती है, इनमें उनकी जान भी जा सकती है। वो पहले तो इस वैक्सीन का सैंपल खुद पर इंजेक्ट करती, फिर वो अपने फादर से मिलने जाती है जो इसी वायरस से इन्फेक्टेड थे। मास्क निकालकर इनसे काफ़ी देर तक बात करती है। अब इस बात को 2 से 3 दिन हो चुके थे पर डॉक्टर एलिस को इस वायरस का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, यानी कि इनका खुद पर एक्सपेरिमेंट सफल होता है। यहाँ पर WHO और बाकी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हमें वैक्सीन सक्सेसफुली मिल चुकी है। पूरी दुनिया में इंटरनेशनल न्यूज़ डिक्लेयर कर दिया जाता है। वैक्सीन के प्रोडक्शन में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं। तो US गवर्नमेंट एक लॉटरी का सिस्टम निकालती है कि जिसका बर्थ डेट इसमें आएगा ये वैक्सीन उसे मिलेगा और नेक्स्ट लॉटरी 3 मार्च को आएगी। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वैक्सीन लोगों को दी जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया नॉर्मल होने लगती है, लोग फिर से काम जाना शुरू कर देते हैं। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ये वायरस कैसे फैला। हांगकांग में एक बुलडोजर पेड़ को तोड़ देता है जिसमें चमगादड़ डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ से चमगादड़ एक केले के पेड़ में जाते हैं और केलों को बाइट करने लगते हैं। फिर वहाँ से एक चमगादड़ पिग फार्म में जाती है और एक केले का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। तब उन्हीं में से एक पिग उसे खा लेता है। दूसरे दिन फार्म से उसी पिग को ले जाया जाता है और उसे साफ करते करते वो अपने कपड़े में पोंछ लेता है। बाहर आकर ग्वेंथ से हाथ मिलाता है। इसी तरह यह वायरस ग्वेंथ के थ्रू पूरी दुनिया में फैल गई थी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें।